हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 29th पार्ट ऑफ 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सेबी जनरल एग्जामिनेशन। इन द लास्ट क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रूल ऑफ 72। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन योर फाइनेंस। 72 नंबर को अगर आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना टाइम में पैसा डबल होगा। 72 डिवाइडेड बाय 15, सो दैट्स 4.8 ईयर। सो 4.8 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। डी इज द करेक्ट चॉइस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 50 लाख रुपीज। सी इज द करेक्ट चॉइस हियर। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड प्रपोज्ड बाय द सेबी फॉर द न्यू असेट क्लास एम्ड एट हायर रिस्क इन्वेस्टर्स। ये अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर आया था। सेबी ने एक नया असेट क्लास बनाया है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड HNI इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हाई रिस्क ये असेट क्लास होगा जो आपको दूसरे फंड से बेटर रिटर्न देगा। सो द मिनिमम लिमिट इज सी 10 लाख रुपीज। ये चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो देखो मिनिमम लिमिट बहुत ही कम होता है, ₹500 से, और कुछ कुछ तो 100 रुपीज से भी चालू करवा देते हैं। न्यू प्रपोज जो आपका असेट क्लास हो रहा है उसका 10 लाख रुपीज आपका मिनिमम है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का 50 लाख है। AIF का यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का, जहां पे सिर्फ HNI और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, वो 1 CR का मिनिमम वहां पे थ्रेशोल्ड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोस्पेक्टस शैल नॉट बी वैलिड प्रोस्पेक्टस इफ इट हैज बीन इशूड फॉर मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच द कॉपी इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। सो सी इज द करेक्ट चॉइस हियर। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड फॉर मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच द कॉपी देयर ऑफ इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द शेल्फ प्रोस्पेक्टस आर नो नीड फॉर सेपरेट प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफरिंग एंड इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड फॉर सब्सिक्वेंट इशू। वैलिडिटी पीरियड कैनॉट एक्सीड मोर देन 2 ईयर्स और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बोथ A and B एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बोथ A and B। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपके A और B, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो बोथ A and B, दैट इज ऑप्शन D इज द करेक्ट चॉइस हियर। Dash is the system of selective inventory control whereby the measure of control over an item of the inventory varies with the usage value. So ABC analysis is the correct choice here. ABC analysis is the system of selective inventory control whereby the measure of control over an item of an inventory varies with its usage. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग categories में यानी कि ABC categories में divide कर देते हैं as per the value. So C is the correct choice here. Next question, in behavioral analysis, cost are divided into, so behavior के हिसाब से cost का क्या classification होता है, fixed और variable classification होता है. D is the correct choice here. One of the systematic training process model is ADDIE model. Here what does the first D stands for? Is it for data, design, description, development या draft? So B, design is the correct choice here. A stands for analysis, D for design, second wala D is for develop, I is for implement and E is for evaluate. Next question, what does an upward sloping consumption function graph typically shows about the MPC? MPC आपका marginal propensity to consume है. Sloping consumption function show करता है कि आपका जो MPC है वो constant रहेगा. A is the correct choice here. An upward sloping consumption function graph where the slope remains constant indicates that the MPC is constant across different levels of income. Next question, how is stock classified according to the traditional rules of accounting? Traditional rule ke hisab se stock ka classification kahan hona chahiye? To stock aapka ek asset hai, it will be classified under the real account here. Traditional rule pe 3 tarah ke classification hote hain, personal, real and nominal. Stock aapka real account mein fall karega. Next and the last question, और इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर. सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ज्वाइन आई एग्जाम बी एंड प्रिपेयर 50% फास्टर.